तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का शुरुआती पार्ट, थंबनेल और टाइटल तो आपने जरूर देखा होगा कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बजीज पैरेट की कॉलोनी से हम दो पैर रेनबो बजीज के अलग करेंगे और उन्हें सेपरेट करेंगे। उन रेनबो बजीज के दो पैर को सेपरेट करने का क्या रीजन है वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि अभी सुबह का समय है और मैं आया हूं अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी में बजीज पैरेट को पकड़ने के लिए। हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि सुबह के समय ही बर्ड को पकड़ूं या रिलीज करूं, क्योंकि आप जानते हैं इस समय काफी ज्यादा गर्मी है, काफी तेज धूप रहती है दोपहर के समय, तो उस समय बर्ड को पकड़ना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बर्ड सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, काफी ज्यादा इनको गर्मी लगने लगती है, काफी ज्यादा हांफने लगते हैं और हमारी भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तो अभी सुबह का समय है, मैं बर्ड को पकड़ने से पहले बर्ड के लिए लाया हूं एक अच्छा सॉफ्ट फूड। हमेशा की तरह मैं अपने बर्ड को अच्छा सॉफ्ट फूड देता हूं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट रहता है बर्ड के लिए एक अच्छा सीड मिक्स। इस टॉपिक पर दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें कि सीड मिक्स अपने बर्ड के लिए कितना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज के सॉफ्ट फूड को आप देखें कि किस तरीके से हम साफ सफाई से अपने बर्ड को सॉफ्ट फूड देते हैं, और सॉफ्ट फूड देना भी बर्ड को काफी ज्यादा जरूरी है। इससे बर्ड की हेल्थ अच्छी रहती है, बर्ड का साइज काफी ज्यादा सही रहता है। दोस्तों, आज के सॉफ्ट फूड में लौकी है। लौकी बर्ड के लिए सबसे अच्छी रहती है, बर्ड के फेट के लिए, और बर्ड काफी शौक से भी लौकी को खाते हैं। इसके अलावा दोस्तों चना दाल है और मूंग दाल है। इन सभी को दोस्तों मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह तक ये अच्छी तरीके से भीग गए और अच्छी तरीके से मैंने इन्हें धोया है। उसके बाद ताजा लौकी को मैंने कटिंग किया है और इसके अंदर मिक्स किया है। तो ये बर्ड के लिए काफी अच्छा सॉफ्ट फूड है। तो सॉफ्ट फूड देने के बाद ही मैं हमेशा अपने बर्ड को पकड़ता हूँ, क्योंकि अगर हम भूखे बर्ड को पकड़ लें और अगर वो नए सेटअप में शिफ्ट हो तो वो दोस्तों काफी टाइम तक कुछ भी नहीं खा पाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में बर्ड कमजोर भी हो जाते हैं और भूख की वजह से काफी बार मर भी जाते हैं। तो आप हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। दोस्तों छोटी छोटी बातें होती है जिनका ख्याल रखना होता है। असल में अगर छोटी सी एक भी गलती हो जाए इससे दोस्तों अपने बर्ड को नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक पूरा देखा करें, क्योंकि दोस्तों आखिर तक मैं आप सभी को छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता रहता हूं। तो दोस्तों आप देखें, ये मैंने रेनबो बजीज पकड़ा है। हम दोस्तों दो ही मेल और दो ही फीमेल पकड़ेंगे। आप रेनबो बजीज की क्वालिटी देखें। वैसे तो अगर रेनबो बजीज की बात की जाए तो दोस्तों काफी हाई म्यूटेशन, काफी हाई क्वालिटी में भी रेनबो बजीज मिलते हैं, लेकिन ये दोस्तों रेनबो बजीज की शुरुआती क्वालिटी है। अगर हम चाहें कि इनसे अच्छी तरीके से ब्रीडिंग लें और आगे से आगे ब्रीडिंग लेते रहें तो दोस्तों काफी बार बेस्ट क्वालिटी और क्वालिटी में सुधार भी हो जाता है, काफी बार अच्छी क्वालिटी के भी रेनबो बजीज निकल जाते हैं। वैसे तो दोस्तों इनका भी कलर, इनका साइज काफी अच्छा है। तो दोस्तों हमने रेनबो बजीज को पकड़ा है और पकड़ने के बाद ये आप देखें कि हमने बजीज पैरेट की कॉलोनी से रेनबो बजीज के दो पैर को अलग करके लाए हैं इस अपने बड़े सेटअप के पास, जो आप देख सकते हैं कि बड़ा मास्टर केज है और इसके पास हम लेके आए हैं। तो आप देखें एक बार अच्छी तरीके से इन चार रेनबो बजीज को। दोस्तों अगर बात की जाए कि इन रेनबो बजीज को पकड़ने का क्या रीजन था, पहली बात तो पहला रीजन ये है कि रेनबो बजीज के पैर रेनबो बजीज के साथ में नहीं लगे हुए थे। इनके पैर दोस्तों कई सिंपल बजीज के साथ, व्हाइट के साथ, ब्लू के साथ इस तरीके से लगे हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार रेनबो बजीज का पैर रेनबो बजीज के साथ ही लगाया जाए। तो इनको अलग करने का पहला रीजन तो ये है कि इनका पैर लगाना चाहते हैं, इनका पैर नहीं लगा हुआ था। दूसरा रीजन ये है, हम आप सभी भाइयों के साथ में शेयर करना चाहते हैं कि इनके जोड़े नहीं लगे हुए, उसके बावजूद भी हम इन्हें अलग कर रहे हैं। इनका क्या रिजल्ट रहेगा, कब इनके जोड़े लगेंगे, कब इनको मटकी देंगे, कब ये ब्रीडिंग करेंगे और सेपरेट में बजीज पैरेट कैसी ब्रीडिंग करते हैं, तो इनकी अपडेट भी टाइम से टाइम आप सभी भाइयों को मिलती रहेगी। और आगे जब ये ब्रीडिंग करते हैं, कैसी ब्रीडिंग करते हैं, कितने बच्चे निकलते हैं, बच्चों की क्या क्वालिटी रहती है, ये सभी चीजें देखने के लिए आप इस फैमिली के साथ में जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस फैमिली के सदस्य बन जाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन तक आए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों सेटअप के अंदर आने के बाद देखें कि हमने वन बाय वन बर्ड के पैर लगा रखे हैं, जिसमें कॉकटेल बर्ड लव बर्ड्स हैं। और इसमें दोस्तों सामने की तरफ ऊपर आप देख सकते हैं कि ये दो जो पिंजरे हैं,
इनमें दोस्तों कोई भी तरीके के बर्ड नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना बजी स्पिरिट को इन्हीं पिंजरों में डाला जाए, यहीं रिलीज किया जाए। और हमने दोस्तों इन्हीं पिंजरों में बजी स्पिरिट को रिलीज किया है। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, आप बजी स्पिरिट को देखें कि दो पेयर बजी स्पिरिट को हमने इनमें रिलीज कर दिया है। अब दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आगे इनकी पेयरिंग काफी जल्द होगी, काफी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे और जब इनके बच्चे निकलेंगे तो बेस्ट क्वालिटी में इस बार बच्चे आएंगे। अगर बात की जाए इन रेनबो बजीज को अलग करने का दूसरा रीजन, तो दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि हम चाहते हैं कि इन रेनबो बजीज के अलावा भी और भी अच्छी क्वालिटी के रेनबो बजीज हमारे यहाँ पर सेटअप पर निकले और बजीज पैरेट के हमारे पास और भी ज्यादा अच्छे अच्छे तरीके के खूबसूरत कलर हो। वैसे दोस्तों अगर बात की जाए कि क्या बजीज पैरेट को सेपरेट करना चाहिए या कॉलोनी में ब्रीडिंग लेनी चाहिए, तो दोस्तों अगर आपके पास नॉर्मल कलर नॉर्मल बजीज पैरेट है तो आप उनसे कॉलोनी में ही ब्रीडिंग लें। कॉलोनी में दोस्तों जो ब्रीडिंग की एवरेज आती है वो नॉर्मली 3 बच्चों की आती है और काफी बार अच्छी ब्रीडिंग भी होती है, तो काफी बार बजीज पैरेट ब्रीडिंग खराब भी कर देते हैं। और अगर बात की जाए सेपरेट केजेस के ब्रीडिंग की, तो दोस्तों इसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके पास में सस्ते या नॉर्मल बजीज पैरेट है तो उन्हें आप सेपरेट ना करें, इससे आपको बेनिफिट नहीं है। वहीं अगर आपके पास में अच्छी म्यूटेशन के अच्छे कलरफुल बजीज पैरेट हैं और अगर आप उनको अलग करना चाहते हैं या उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उनको आप अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने इन बजीज पैरेट को यहाँ रिलीज किया है, अब इनको अच्छा सीड मिक्स प्रोवाइड करेंगे, अच्छा पानी प्रोवाइड करेंगे, साफ पानी, अच्छा सॉफ्ट फूड रोजाना सुबह मॉर्निंग में एक बार। उसके अलावा दोस्तों इनकी डेली नीड के लिए काला नमक, सेंधे नमक के पत्थर और इसके अलावा दोस्तों समुद्री जात, कैल्शियम ब्लॉक, ये सभी भी हम इन्हें प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद जब हमें लगेगा कि ये पेड़ आपस में साथ साथ में रहने लगे हैं, बॉन्डिंग अच्छी होने लगी है, इनके पेड़ लगने लगे हैं, उसके बाद हम इन पेड़ को मटकी दे देंगे। मटकी देने के कुछ टाइम तक फीमेल दोस्तों मटकी का निरीक्षण करेगी, उसे सेलेक्ट करेगी, उसके बाद वो उसमें एक देगी। तो दोस्तों नॉर्मली यही प्रोसेस रहता है बर्ड के ब्रीडिंग का। तो दोस्तों इन दो पेयर की जब भी जो भी नई अपडेट होगी वो आप सभी के साथ में जरूर शेयर की जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज का ये वीडियो आप सभी भाइयों को कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। Thank you.